हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग पे हमें मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे लग रहा है और किस जगह पे हमें बेस्ट बाइंग सेटअप मिल सकता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो आज का सपोर्टिंग जोन आ रहा है 18,280 आ रहा है, जो हमने आपको लिए इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो सिंपल सरकार ट्रेडर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक पर जाके ही इसमें यूज़ कीजिएगा। बाकी कोई सर्किट ट्रेडर्स ऑफिशियल ये वो किसी को यूज़ मत कीजिएगा, आप लोगों का पैसा का बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो सो गाइज, हमारा चैनल का बहुत सारे डुप्लीकेट बन रहा है, इसे सावधान रहिएगा। ओके चलिए गाइज, तो निफ्टी का सपोर्ट है 18,280, जो कि आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में। जब निफ्टी का चार्ट हम यूज़ करेंगे तो हमारे को इसका सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, 75-80 इस लेवल पे। बाय द वे, मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट से, जैसे ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या दिख रहा है ना, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स यूएस मार्केट हमारे को हल्का रेड निशाने पे बनता हुआ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। बट यूरोपियन मार्केट एक ग्रीन जोन पे दिखता हुआ मिला है। एचजीएस निफ्टी फ्राइडे के सेशन पे 67 पॉइंट डाउन था, बट अभी एचजीएस निफ्टी 40 पॉइंट डाउन है। सो गाइस, ये सारे चीज़ कुछ मार्केट को पॉजिटिवनेस का संकेत मिल रहा है, मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर डाउन मूवमेंट पे ओपन होता है, तो सबसे पहली बात मंडे का सिनारीज आपको 5-15 मिनट मार्केट को वॉच में रखना चाहिए। अगर इस जोन को डाउन ब्रेक करके और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है सुबह सेशन पे थोड़ी सी, बट इसको सपोर्ट लेता हुआ फिर से अगर ऊपर आता है तो ये जो जोन बनेगा ये जोन आपका एक फर्स्टली रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो जोन बन रहा है ये आपको फर्स्टली रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, और यहाँ से ब्रेक करेगा तो 18,350-60 ये जो जोन है। ओके, मैं पिछले दिन भी आपको बताया था कि ये जो जोन है ये बहुत ही क्रिटिकल जोन। अभी धीरे धीरे देखो रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है, आज का रेजिस्टेंस बन रहा है 373। ये पहला दिन था 44, फिर 50 आया था 55, फिर आज बन रहा है 73। तो इन जोन के बीच में आपको देखना है कि आज के लिए बेटर मौका मिल जाए इस जोन के अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा गैप अप तो मार्केट नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट कि न्यूट्रल की ओपन होना चाहिए, और न्यूट्रल ओपन होने के बाद 10-15 मिनट मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हो रहा है और कौन सी कॉल कौन सी पुट के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि 18,300 का कॉल एंड 300 का पुट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसका बेस सपोर्ट जैसे यहाँ पे आपको देखिए डबल बॉटम सिनेरियोस, तो ऐसे डबल बॉटम सिनेरियोस हो या कंटिन्यू अप ट्रेंड सिनेरियोस हो या ब्रेकआउट सिनेरियोस हो, इन चीज़ों को आपको समझना है, समझ के उसके ऊपर ट्रेड करना होगा। तो मॉर्निंग में कैसे मार्केट ओपन हो सकता है मैं आपको क्लियर समझाने का कोशिश किया, और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, किस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद कहाँ तक डाउन जा सकता है क्लियर करने का कोशिश किया। सेकंडली बैंक निफ्टी के ऊपर जो सपोर्टिंग पॉइंट आ रहा है 43,680 लेवल आ रहा है, जो कि हम प्रीवियस हाई के ऊपर ही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ी सी अगर नीचे ओपन होता है तो आप देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग जोन बना रहा है क्या, अगर यहाँ पे सपोर्टिंग जोन बन के ऊपर जाता है तो आपको ये रेजिस्टेंस फर्स्टली बनेगा, और इसके बाद लाइफ टाइम हाई छूने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ऑन आवर्स स्टे कर जाता है। डेफिनेटली इसके साथ साथ हमने पुट साइड या कि सेल साइड कब आएंगे ना, 43,680 लेवल को अगर डाउन ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमने 200 पॉइंट का डाउन मोमेंटम देख सकते हैं, यहाँ से हमने 200 पॉइंट का डाउन मोमेंटम निफ्टी के लिए फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो क्लियर सेंटिमेंट्स रखिए, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे तो कौन सी कॉल पर ट्रेड करेंगे, तो फिलहाल जो कंडीशन है यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो 38,600 आपके लिए बेटर होगा, 600 का कॉल 600 का पुट, उसके बाद सिनेरियोस के साथ टाइम के साथ साथ हमें कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहिए। सो गाइस, मॉर्निंग अपडेट में ग्लोबल मार्केट अच्छा, इसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग स्टॉक है एंड आईटी स्टॉक रिलायंस, आईटी के अंदर एक मिली जुली रुझान आज के दिन पे दिखाई दे सकता है। रिलायंस के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव कैंडल बना हुआ था, तो रिलायंस में और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो तेजी आएगा, तो डेफिनेटली वो निफ्टी को पॉजिटिव लेके जाएगा। और मैं कल का सेशन पे आपको बताया था कि निफ्टी का जो ऑन डे का ग्राफ है इसको ध्यान से देखिए, इस ऑन डे का ग्राफ में जो ये जोन बना रहा है ना, इस जोन को अगर ब्रेकआउट होके एक दिन स्टेबल होता है तो यहाँ से निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो आता है वो 18,600 के करीब हमें बनता हुआ दिखाई देगा इस वीक के अंदर। इस जोन के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो ही हमें 18,600 के करीब बनता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो अब आता है कर्नाटक रिजल्ट। कर्नाटक का जो चुनाव का रिजल्ट है ये एक्सपेक्ट यही किया गया था कि एग्जिट पोल यही बताया गया था,
तो बहुत ज़्यादा कर्नाटक रिजल्ट से मार्केट को शायद नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ओके चलिए गाइस, आज का इस मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मॉर्निंग में या डे में आपको एक फिक्स प्रॉफिट चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने का कोशिश कीजिए। ग्रीडी लालची मत बनिए तो आप डेली एक सही प्रॉफिट ले पाएंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।